मुरादाबाद के सिविलियन स्थित एसएस चिल्ड्रन एकेडमी गर्ल्स स्कूल में एक साइंस प्रदर्शनी का आयोजन कराया गया, जहां पर विद्यार्थियों ने साइंस मॉडल के माध्यम से उसकी विशेषताएं बताने का प्रयास किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मधुला अग्रवाल ने सभी बच्चों को सम्मानित किया। मुरादाबाद के सिविल लाइंस स्थित एसएस चिल्ड्रन एकेडमी गर्ल्स स्कूल में साइंस प्रदर्शनी का आयोजन कराया गया। प्रदर्शनी में मौजूद सभी विद्यार्थियों ने अपने मॉडल के माध्यम से संदेश देने का काम किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मृदुल अग्रवाल द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सभी छात्राओं द्वारा दी गई प्रस्तुति को देखकर सभी ने सराहना की। विद्यार्थियों ने साइंस के मॉडल बनाकर उसकी विशेषताओं के बारे में बताया और ये जानकारी दी कि हम इन मॉडल्स के माध्यम से समाज में एक नई क्रांति पैदा कर सकते हैं। बच्चों द्वारा वेस्ट मटेरियल से बनाए गए सभी मॉडल्स को देखकर सभी शिक्षिकाओं के साथ विद्यालय की प्रधानाचार्य ने उनकी सराहना की। इस दौरान बच्चों द्वारा अनेक प्रकार के संदेश भी इस कार्यक्रम के माध्यम से देने का प्रयास किया गया। Very good. विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सिटी चैनल से बात करते हुए कहा कि समय समय पर बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज इसी श्रृंखला में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर बच्चों द्वारा दिए गए संदेशों से समाज में एक जागरूकता पैदा हो। आज SSCA गर्ल्स स्कूल में एक सोशल स्टडीज पर एक वर्कशॉप की गई है। मतलब एक तरह से बच्चों ने मॉडल बनाया है और उस पर वो अपने व्यूज़ दे रहे हैं सारे, जो बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ बच्चों ने मॉडल बनाया है और उसके बारे में बच्चे डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि इसमें क्या क्या है, कैसे। हाँ, सारे ही मोस्ट ऑफ टॉपिक्स कवर अप किए गए हैं इसमें। सोलर सिस्टम है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, बहुत से टॉपिक्स लिए हैं और सभी बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से अपने व्यूज़ इस पर रखे हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल प्रोग्राम रहा है। इस तरह के प्रोग्राम करने से बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, उन्हें उनकी नॉलेज अपडेट होती है और स्पीकिंग पावर भी बहुत बढ़ती है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है बच्चों में।